पंजाब चोरों के हौसले इन्ने बुलंद हो गए हैं कि हुण वह सरकारी चीज़ों उत्ते भी अपने हाथ की सफाई का कमाल दिखा रहे हैं। इस बार तो हद ही हो गई जदों चोरों ने पंजाब सिविल सकत्तरेत नेड़े पंजाब जीओ मैस के अंदरों 3 क्वांटल की विरासती तोप चोरी कर ली। जी हाँ, इन्ने साल पुरानी विरासती तोप चोरी हो गई है। ड्यूटी ते तैनात संचालकों नूं भी तोप चोरों का कोई सुराग नहीं मिलिया। इन्नी भारी तोप चोरी होने के मामले में अंतर खाते की मिली भुगत सामने आ सकती है। हैरानी की गल है कि पंजाब सिविल सकत्तरेत ते पंजाब जीओ मैस के अंदर कोई सीसीटीवी भी कैमरे नहीं लगाए गए। सैक्टर 3 थाने की पुलिस ने जीओ मैस के कमांडेंट बलविंदर सिंह की शिकायत से अणपछाते चोरों खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उच्च अधिकारियों ने विरासती तोप चोरों को फड़न लई विशेष टीम बनाई है। जीओ मैस इंचार्ज SI दविंदर कुमार ने जीओ मैस के गेट कोल जो तोप गायब देखी तो उसने जीओ मैस के कमांडेंट बलविंदर सिंह सूचना दी। बलविंदर सिंह ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सैक्टर 3 थाना इंचार्ज सुखदीप सिंह मौके पर पुजे और DDR रजिस्टर्ड की। 18 मई को सैक्टर 3 थाने की पुलिस ने जीओ मैस के कमांडेंट बलविंदर सिंह की शिकायत से अणपछाते व्यक्तियों खिलाफ धारा 379 का केस दर्ज किया है। जीओ मैस च पंजाब पुलिस के PAP 82 बटालीयन के जवान भी रहिंदे हन। पुलिस ने दस्सिया कि विरासती तोप 5 और 6 मई के दरमियान रात को चोरी हुई सी। जीओ मैस च 24 घंटे संतरी तैनात होने के बावजूद 3 क्वांटल भारी और 3 फुट लंबी विरासती तोप चोरी किवें हो गई? जीओ मैस चो चोर इन्नी भारी तोप किवें लै गए? किसी ने क्यों ध्यान नहीं दिता? सैक्टर 3 थाना पुलिस वालों घटना स्थान के आले दुआले लगे CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं ता जो पता लग सके कि चोर विरासती तोप किस पासों लैके गए।